गाइज आप लोग कैसे हैं। तो फिर आज एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप रिचार्ज कैसे करके और बढ़िया कमीशन पा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है फोरपे ऐप। यह है हमारा एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें। इसको तो हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आप अपना पहले आईडी बना लेना है, लॉगिन कर लेना है और रेफर कोड जो मांगेगा अगर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका रेफर कोड मिल जाएगा वहाँ से। तो हम ये अपना पहले आईडी बना लिए, जैसे तो नंबर अपना डाल के आईडी और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आईडी देखिए लोडिंग डाटा ले रहा है। तो देखिए थोड़ा नेटवर्क स्लो है। उसके बाद एक हमारे नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी डाल देंगे। तो ओटीपी हमारा आ गया 82433। इस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे एप्लीकेशन आईडी लॉगिन हो जाएगा। होने के बाद ये हमारा एप्लीकेशन का होम पेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है पहले आपको वो बता देते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा होम पेज खुल गया है और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोफाइल है। यहाँ से अपना पिन और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए बैक जाते हैं और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जितने रिचार्ज किए रहेंगे यहाँ पे आपके हिस्ट्री भी दिखाई देगा। देख रहे हैं हिस्ट्री, बैलेंस हिस्ट्री, मतलब सब दिखाई देगा। फिर होम पेज पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें पैसे पहले ऐड करना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 00 हमारा मनी दिखाई देता है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड फंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना आपको ऐड करना है ऐड पे क्लिक करके, और यहाँ पे देख रहे हैं एगारो का निशान देवे पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख रहे हैं UPI गेटवे 1। फिर यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारा जिससे मतलब फ़ोन पे से करना है, गूगल से, पेटीएम से, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद हम अपना कर सकते हैं। तो हमको तो पैसे ऐड नहीं करना है तो इसे बैक चले जाते हैं। उसके बाद आपको रिचार्ज कैसे करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीपेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो सिम रहेगा, तो चलिए हम ये एयरटेल का सिम है और यहाँ पर अपना नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने का रिचार्ज करना है यहाँ पे रिचार्ज किए, यहाँ पर मान ली 199 का रिचार्ज, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और देख रहे हैं कि साइड में हमारा एक कमीशन 1 रुपया दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे अपने जो अपना पिन डाले होंगे फोर, तो पिन डाल दे के और रिचार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। ये बोल रहा है कि आपका 1 भी रुपये ऐड नहीं हुआ है, तो पैसे ऐड करें। कंफर्म पेमेंट पे यू क्लिक करेंगे तो हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे आप रिचार्ज कर सकते हैं और कमीशन ले सकते हैं। चलिए इसमें एक और बढ़िया सा इसमें फंक्शन से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉल डाउन करें ऐप्स का ऑप्शन दिखाई, मतलब मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैलेंस बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ऐसे मान लीजिए मिनी स्टेटमेंट, कमीशन, यहाँ पर सब आ जाएगा। तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए जैसे आप बैलेंस चेक किया जाता है आधार कार्ड से, इसे चेक करके अकाउंट बैंक अकाउंट यहाँ पर जो होगा यहाँ पर सर्च मार के और यहाँ पर अमाउंट डाल के आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट मतलब चेक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मज़ा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।